राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण जी। भाई बेटा, भोजपुरी गायक एवं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव, साथियों इस वक्त मैं बिहार राज्य के जमुई जिले के अंतर्गत सिमुलतला में आज के 5-6 दिन पहले एक पत्रकार भाई दहाड़े हत्या कर दी गई है गोली मार करके। तो आज मैं वही पत्रकार बंधु स्वर्गीय गोकुल यादव जी के परिजनों से मिलने के लिए सिमुलतला जा रहा हूँ। मैं रास्ते में हूँ, मैं आप सबको दिखाऊं। ये देखिए, तो जितने भी साथी जो जमुई जिले के हैं या उनके आसपास के हैं सिमुलतला के, जो हमसे मिलना चाहते थे, तो आप सिमुलतला आइए। और साथ ही साथ मैं चूंकि पत्रकार बंधु का मैं गांव नहीं जान रहा हूं, तो अगर आप सबको कुछ जानकारी हो तो मुझे उनके गांव के बारे में जानकारी देने की कृपा करें, मुझे व्हाट्सएप करें या टेक्स्ट मैसेज करें। जिस प्रकार से यादवों के ऊपर लगातार हत्याओं का दौर जारी है, ये बहुत निंदनीय है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज के कुछ लोग जाति पाति की भावना रख करके खून खराबे को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों की, आतंकवादियों की कोई जाति और कोई धर्म नहीं होती। हत्या जिन्होंने भी किया, मुझे पता है वो जिस भी समाज से आते हैं, इसके बावजूद मैं उनके समाज का सम्मान करता हूं, लेकिन हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, हत्यारों को बख्शने नहीं दूंगा। अभी तक इस घटना को घटित हुए 6 दिन हो गए, लेकिन अपराधियों की कोई धर पकड़ विशेष नहीं हुई है। तो मैं वहां जा करके स्थिति को देखता हूं और मैंने हमेशा कहा है कि समाज के लिए मेरा तन मन धन हर कुछ न्योछावर है, कुर्बान है। समाज जब कभी भी दुख में होगा, आपका संतोष रेणु यादव आपके साथ होगा। आज सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह था, मुझे उस समारोह में शामिल होना था, लेकिन मुझे मेरे हृदय ने कहा कि उस मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण जो है वो मैं टीवी में भी देख लूंगा, मेरे लिए ज्यादा जरूरी गोकुल यादव के परिजनों को संभालना है, गोकुल यादव की पुण्य आत्मा को, पवित्र आत्मा को इंसाफ दिलाना है। समाज पहले है, उसके बाद ही कोई सत्ता है या कोई शासन है हमारे लिए। मैं अपने रास्ते पर निकल चुका हूं।
बस आप लोग का सहयोग, आप लोग का आशीर्वाद, स्नेह बस ऐसे ही मिलता रहे। और मैं पुनः एक बार बोल रहा हूं कि गाड़ी बढ़िया से चलाइएगा बाबू, देख करके भीड़भाड़ का इलाका में किसी को दिक्कत नहीं हो। देख रहे हैं ये सब कौन पागल है जो अभी गाय को एक धक्का मार दिया है, उसके बाद एक कुत्ता को मार दिया है। बेजुबानों की जान लेते हुए इन लोगों को शर्म भी नहीं लगता है। 2 घंटा आदमी लेट से पहुंचेगा लेकिन किसी को नुकसान नहीं। अच्छा, एक भाई ने लिखा है कि गांव का नाम है लीलावर्ण सिमुलतला जमुई। अच्छा अच्छा जी, ठीक है, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दें और हो सके तो उनके घर का कोई कांटेक्ट नंबर हो, मुझे उनके घर का कांटेक्ट नंबर मुझे प्रदान किया जाए। और अभी करीब करीब 3 घंटा लगेंगे, करीब करीब 2 से 2:30-3 बजे तक मैं सिमुलतला में पहुंचूंगा। तो आप सब भी वहां पे पहुंच करके पीड़ित परिवार को संतावना दीजिए और पीड़ित परिवार को संभालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब पत्रकारों पे इस प्रकार से जब गोलियों का बौछार होना शुरू हो जाए, पत्रकारों की जब हत्या होना शुरू हो जाए, तो समझ जाइए कि संविधान खतरे में है। जिस प्रकार से एक पत्रकार समाज के दबे कुचले आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, और उसके बाद वैसे ही पत्रकार की, सच्चे पत्रकार की अगर हत्या कर दी जाए, तो ये संविधान के लिए काला अध्याय की तरह है। इस संविधान के लिए, सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्म की बात है। एक पत्रकार पूरे जीवन भर समाज की आवाज को सत्ता तक पहुंचाते हैं, समाज के प्रश्न को शासन और प्रशासन से पूछते हैं, और अगर उस पत्रकार की अगर दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी जाए, तब ये बड़ी विकट सी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आखिर देश और समाज किस तरफ चल रहा है। साथियों, पत्रकारिता करना या पत्रकार बनना इतना आसान नहीं होता। उस लहलहाती धूप में, बरसात में, युद्ध के बीच, जंग के बीच, अवसाद में, हर परिस्थिति में एक पत्रकार अपने पत्रकारिता धर्म का पालन करते हैं। और एक सच्चा पत्रकार समाज और देश को अपने परिवार से ऊपर तरजीह देते हैं, और उसी पत्रकार की अगर हत्या हो जाए तो समाज को तो जागने की जरूरत तो पड़ेगी। मैं संतोष रेणु यादव, आप तमाम जितने भी मेरे चाहने वाले, मुझे पसंद करने वाले साथी हैं, मैं आप तमाम लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ, आग्रह करना चाह रहा हूँ कि आप सब इस दुख की घड़ी में सच्चे पत्रकार भाई गोकुल यादव जी के परिजनों को ढाढ़स बंधाइए, संभालिए हर तरीके से, आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से,
भावनात्मक तरीके से, हर तरीके से सहयोग कीजिए और एक पत्रकार की आत्मा को, एक पत्रकार की कराहती हुई आत्मा को इंसाफ दिला करके शांति प्रदान करवाइए। मैं आपके साथ हूं, मैं आ रहा हूं सुमंगला। प्रणाम आप सब, जय श्री कृष्ण।